नमस्कार, न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनोरिया। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अयोध्या के माईवाड़ा में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का 77वां जन्मदिवस मनाया गया। इस खुशी में सिपाहियों ने बेसहारा विधवाओं को कंबल बांटे और मुलायम सिंह की लंबी आयु की कामना भी की। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के 77 दिवसीय जन्म उत्सव समारोह के तहत सिपाहियों ने आज जन्मदिन के 50वें दिन अयोध्या के माईवाड़ा में निराश्रित वृद्धाओं को कंबल बांटा और मुलायम सिंह के उत्तम स्वास्थ्य लाभ व दीर्घ आयु के साथ पार्टी के जनाधार में वृद्धि और देश में भाईचारा कायम रहने की दुआएं भी की। जिले के सपा नेता आशीष पांडे दीपू मुलायम सिंह यादव के 77वें जन्मदिवस पर 77 दिवसीय जन्मदिन कार्यक्रम मना रहे हैं जो 6 फरवरी 2016 को समाप्त होगा। आज माननीय नेताजी के 77 दिवसीय जन्मोत्सव समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत अयोध्या स्थित माईवाड़ा पर आज गरीब और असहाय औरतों को कंबल वितरण किया गया, उनके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई। हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय गजराज तिवारी जी, अयोध्या के अयोध्या इकाई के सारे संगठन के पदाधिकारीगण आज यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ। आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना के लिए हम लोग रोज लगातार दुआ कर रहे हैं और यही हम लोग ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आदरणीय नेताजी दीर्घायु हों, यशस्वी हों। उनके द्वारा एटीवी न्यूज चैनल के लिए फैजाबाद से मोहम्मद गुलजार की रिपोर्ट। लगभग 100 लोगों को। फैजाबाद के गांव प्रतापपुर में उस समय माहौल गरमा गया जब पुलिस को क्षेत्र में हरे पेड़ के कटान की खबर मिली। खबर मिलते ही पुलिस मौका स्थल पर पहुंची तो गांव के प्रधान व उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस के दरोगा समेत 3 कर्मियों को घायल कर दिया गया। इस मौके पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फैजाबाद में हरे पेड़ की कटान की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर गांव के ही प्रधान व उनके समर्थकों द्वारा हमला किया गया जिसमें एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत गांव के 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना इनायत नगर के पारतासपुर गांव में हरे पेड़ की कटान की खबर पर 3 पुलिसकर्मी के साथ चौकी इंचार्ज हैरी गटनगंज रामचेत यादव मौके पर पहुंचे। पेड़ काटने के आरोपी ग्राम प्रधान शिव कुमार व उनके समर्थकों से तू तू मैं हो गई, जिसके बाद प्रधान व उनके समर्थकों ने लाठी डंडे से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया जिसमें चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रधान समर्थकों ने पुलिस टीम की बाइक तक भी तोड़ दी और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उनको चोट लगी थी, कहीं पे मारपीट हुआ था, चोट के साथ आए थे हमारे जिला अस्पताल में। उनको हम लोगों ने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। उनको कोई गंभीर चोट भी था? नहीं, गंभीर बहुत गंभीर क्या है, सबका एक्सरे एडवाइज़ किए हैं, उसके बाद गंभीरता उस आधार पर निर्धारित हुई। बाकी जो है अभी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, मैंने अच्छे एवरेज थे, एवरेज। कहीं कटे पिटे का निशान नहीं? कटा पिटा हुआ है, सिर में चोटें आई हैं, कुछ लोग कंधे पर चोटें आई हैं, उसका जो है एक्सरे के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। बाकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो लोग चले गए हैं। टाके भी लगे हुए हैं, एक दरोगे सिर पे टाके लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं, उसमें 4-5 लोग थे। फ्रैक्चर जो है एक्सरे के बाद ही, चोटें थी, गंभीर सूजन थी। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एटीवी न्यूज चैनल के लिए फैजाबाद से मोहम्मद गुलजार की रिपोर्ट। फैजाबाद में सपा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसी के चलते सिपाहियों ने बूथवार मंथन शुरू किया और अयोध्या विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन कर बूथवार तैयारियों की रणनीति भी बनाई। 2017 के विधानसभा चुनावों को लेकर फैजाबाद के सिपाहियों ने तैयारी के क्रम में बूथवार मंथन शुरू कर दिया है।
आज अयोध्या विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथवार तैयारियों की रणनीति बनाई गई। साथ ही अयोध्या फैजाबाद घोषित मंडल सिटी व सपा सरकार द्वारा विकास कार्यों को जन जन तक ले जाने की मुहिम भी तैयार की गई। इन सभी मुद्दों को लेकर अयोध्या विधायक व सूबे के राज्य मंत्री पवन पांडे ने अपनी विधानसभा की तैयारी के लिए देवकाली के एक गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। भीकापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सपाई एकजुट नजर आए। सभी ने सपा प्रत्याशी अनंत सेन यादव को जिताने के लिए संकल्प दोहराया। आज हम लोग यहां पर जो भीकापुर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें श्री अनंत सेन यादव जी उम्मीदवार हैं, उनको जिताने के लिए अयोध्या विधानसभा के सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जा रहा है। और आज सारे लोग यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अयोध्या विधानसभा में अयोध्या नगर और फैजाबाद नगर को मॉडल सिटी बनाने का ऐलान किया गया, इसके लिए लोग आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। और आने वाले समय में 2017 में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बने, एटीवी न्यूज़ चैनल के लिए फैजाबाद से मोहम्मद गुलजार की रिपोर्ट। इन मुद्दों पर हम फैजाबाद के मवई थाने के तहत पड़ते बखेड़ी क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब क्षेत्र के जंगल में संदिग्ध बदमाशों के छिपने की खबर फैल गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को सायं तक कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हाथ नहीं लगा। फैजाबाद के मवई थाना क्षेत्र के बखेड़ी जंगल में कुछ संदिग्ध बदमाशों के छुपे होने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिले 3 थाने की पुलिस व 2 कंपनी PAC के जवानों ने कॉम्बिंग पर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि कॉम्बिंग में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुंबई पुलिस को आज सुबह सूचना मिली कि बखेड़ी जंगल में कुछ बदमाश छुपे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए मुंबई रुदौली व पटरंगा थाने की पुलिस व 2 कंपनी PAC के जवानों के साथ जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस को किसी की संदिग्ध की गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिली। एटीवी न्यूज चैनल के लिए फैजाबाद से मोहम्मद गुलजार की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के MSC बुक्कल नवाब के बयान से राजनीति के गलियारों में अब बयानबाजी हो रही है। बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दे पर हामिद अंसारी ने बुक्कल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुख्य मुलायम सिंह यादव से अपील की है कि बुक्कल को पार्टी से तत्काल निकाल दिया जाए। बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई हाशिम अंसारी ने बुक्कल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से अपील की है कि बुक्कल को तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। वहीं अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बुक्कल के बयान से किनारा किया है। आपको बता दें कि सपा नेता बुक्कल नवाब ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा था कि अगर साल 2017 तक राम मंदिर बनता है तो वो 10 लाख रुपये और एक सोने का मुकुट जो है वो दान करेंगे। बुक्कल सपा के जो है सयाने नेता हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी राम मंदिर बनवाएं, और साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम होने के बावजूद मैं भगवान राम का सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बने। बयान के बाद से अयोध्या के दोनों पक्षों, चाहे वो राम मंदिर निर्माण के पक्षकार हों या मस्जिद निर्माण के पक्षकार, बुक्कल से खासे नाराज हैं। बाबरी मस्जिद के पैरोकार ने बुक्कल के नवाब के बयान को कानून के खिलाफ बताया है, और जिस तरह की राम मंदिर को लेकर बात एक बार फिर से गर्माती दिख रही है। इससे पहले साक्षी महाराज का बयान आया था कि जिस तरीके से 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण कर लिया जाएगा, और एक बार फिर से बुक्कल ने जिस तरह का बयान दिया है राम मंदिर को लेकर, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब कोहराम मचता हुआ दिख रहा है। तो राम मंदिर को लेकर बुक्कल के बोल से खफा हुए हैं हाशिम अंसारी, और हाशिम अंसारी ऐसे इंसान हैं जो जिस तरीके से इस मुद्दे को हमेशा उन्होंने उठाया है, हमेशा इस मुद्दे पर वो बने रहे हैं। जब जब राम मंदिर का मामला आता है तब तक उनका बयान सामने आता है। इस दौरान अब जो टकराव हो रहा है
वो दोनों के बीच हो रहा है, यानी कि जो मंदिर निर्माण के पक्षधर है उनके बीच भी और जो मस्जिद निर्माण के पक्षधर है उनके बीच भी। बाबरी मस्जिद के पैरोकार जिस तरीके से बुक्कल नवाब के बयान को कानून के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां मंदिर को लेकर अक्सर होती हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। चुनावी दौरान जिस समय चुनाव हो रहे होते हैं उस समय चुनावी मुद्दा इसे बनाया जाता है, और जब चुनाव नहीं हो रहे होते हैं तो इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान देकर कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम अक्सर तमाम जो लोग हैं वो करते हैं, और इसी तरीके का काम बुक्कल ने किया है। राम मंदिर बनता है तो वो 10 लाख रुपये और सोने का मुकुट दान करेंगे, ये उन्होंने कहा था। सपा के वरिष्ठ नेता हैं और शुक्रवार को उन्होंने बात कही थी, और बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी राम मंदिर बनाए, बीजेपी अक्सर राम मंदिर का नाम जो है अलापती रहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिम होने के बावजूद भी वो भगवान राम का सम्मान करते हैं और वो चाहते हैं कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर ही बने। बयान के बाद से अयोध्या के दोनों जो पक्ष हैं उसमें, चाहे वो मंदिर निर्माण के पक्षकार हों, मंदिर निर्माण के पक्ष में जो लोग हैं या मस्जिद निर्माण के पक्ष में जो हैं, वो बुक्कल से खासे नाराज हैं। बाबरी मस्जिद के पैरोकारों ने या बुक्कल के खिलाफ जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं उसको कानून के खिलाफ बताया है। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक जावेद अहमद ने नई गाइडलाइन बनाई है जिसके बाद बुजुर्ग स्पेक्ट्रम की परेशानी बढ़ सकती है। क्या बनाई है गाइडलाइन, डीजीपी ने देखी इस हमारी विशेष रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिदेशक हैं जावेद अहमद, और उन्होंने नई गाइडलाइन तैयार की है। बुजुर्ग इंस्पेक्टरों के चेहरे पर जिससे चिंता की लकीरें अब खिंच गई हैं। गाइडलाइन के मुताबिक 58 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है इंस्पेक्टरों को अब थानेदारी का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, बैड एंट्री वाले दरोगा भी थानेदार नहीं बन सकेंगे। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि जिन इंस्पेक्टरों की उम्र 58 साल से ज्यादा हो गई है उन्हें थाने का चार्ज नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे उम्र के तकाजे को कारण बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिन दरोगाओं को बैड एंट्री मिली है उन्हें भी थाने का चार्ज नहीं दिया जा सकता है। थाने में तैनात दरोगा को हटाने से पहले अब उसे कारण बताओ नोटिस जारी होगा। किसी सीनियर अफसर के रहते हुए उसके यहां अगर किसी जूनियर को थानेदारी दी जाती है तो सीनियर को ये बताना होगा कि उसे ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है। गाइडलाइन के मुताबिक सबसे ज्यादा फजीहत जिनकी हुई है उनमें इंस्पेक्टरों की ये फजीहत हुई है, और उन्होंने अभी हाल ही में जिन इंस्पेक्टरों ने दरोगा के लिए प्रमोशन लिया है उन लोगों के लिए अब ज्यादा परेशानी होगी। यहां पर रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ अलर्ट के साथ।